ये सारा एनाटॉमिकली ऑन немножко дальше. सो ये है आपका एनाटॉमी बिल्डिंग. जब भी आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर पढ़ने आएंगे, सो यू विल एंटर फ्रॉम दिस डोर और आप अपने जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है मेडिकल की, वो आप स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स एंटर टू द डोर जहाँ से आपकी एनाटॉमी की पढ़ाई स्टार्ट होती है. और ये आप जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं, आपको कुछ इस तरीके से माहौल मिलता है. लाइक यहाँ पर टर्मिनल्स बने हुए हैं फॉर टू ईट समथिंग, यहाँ पर प्लेसेस बने हुए हैं टू सेट देयर. इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज है. यहाँ पर मेन अखरा जो सिक्योरिटी है वो बैठी हुई है और वो सारी चीज़ें चेक करती है, हर किसी के डॉक्यूमेंट्स. तो ये यहाँ पर कार्ड अपना प्रेस करेंगे, स्टूडेंट कार्ड, फिर आप इस जगह पे जाएंगे. एंड दिस इज़ द व्यू व्हेन यू एंटर इन द एनाटॉमी डिपार्टमेंट. सो पहले मैं नीचे का फ्लोर दिखा देता हूँ. ये एक साइड है, ये सेकंड साइड है. तो वहाँ से भी सीढ़ियाँ जा रही है और वहाँ से भी सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर के लिए. और एक जो एक और सीढ़ी है वो यहाँ से, तो आप यहाँ से ऊपर जाएंगे अपनी एनाटॉमी की क्लासेस. अगर आपकी ऊपर में लगती है देन यू कैन गो फ्रॉम हियर. और उसके बाद अभी हम ऊपर जा रहे हैं ये सारी चीज़ें देखने कि आप जब भी साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर मिलता है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है. लाइक कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, वही वाली बात है. मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है यहाँ पर. सो लेट्स एन्जॉय द एनाटॉमी डिपार्टमेंट. सो ये वाला जो फ्लोर है ये बिल्कुल बेसमेंट में लोकेटेड है. और ये है एनाटॉमी की फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड है. और एनाटॉमी की ये एक फ्लोर पे सारी क्लासेस हो रही है. यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं पर होती है. सो यहाँ पर आपको अपने जैकेट्स वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें रख सकते हैं जब भी आप यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने जाएंगे. ये बुफे है यहाँ पर, जब आपको खाना होगा तो यहाँ पर कैफ़े भी अवेलेबल है. सो ये यहाँ के सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए. हेलो. Это анатомия и патологическая физиология. Ну вот с осени обычно это анатомия. Препараты у нас пластинированные, то есть это крупный материал, покрытый пластинатом, это долговечные безопасные препараты, без формалина, без всего. Студенты могут прекрасно увидеть, то есть можете сравнить даже по своему, можете снять, пожалуйста, от китайского производства, и вот пластинированное, это Петербург делает у нас. То есть все очень детально, красиво сделано, и студенты могут с этим работать. Костные материалы, плюс презентационный материал, плюс 3D-атласы. Это обязательно, мы, собственно, с этим совсем работаем. Ну и в достаточном объеме. Здесь я преподаю, наши аудитории еще находятся, я вам сейчас покажу. У меня оборудовано плазмой. Там так. Презентация показывает, да? Да, обязательно. Презентации и... Анатомики класс мы. Ты как сыфик экзамбал вели, я пари класс деклю. क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, ये तो बोन्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई है. नेक्स्ट यहाँ पर अभी मुझे अभी ये बता रहे थे कि फॉर्मेलिन वाले यहाँ पर अगर हम बॉडी रखेंगे तो बच्चे यहाँ पर छूते हैं सारी चीज़ों को, तो इसलिए इन्होंने प्लास्टिक वाले रखे हैं ताकि आपको ईजिली समझ पाएँ इस चीज़ों को और आप क्लास में ही ये सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ. ये मसल्स के लिए हैं और ये आर्टरी वेंस के लिए. नेक्स्ट इनके पास प्रेजेंटेशन के लिए ये प्लाज्मा टीवी रखी हुई है ताकि बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इजीली वो सारी चीज़ें हो जाए. उसके अलावा यहाँ पर सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो सारी चीज़ें. ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. सो ऐसे ही हर क्लासरूम यहाँ पर बनाए गए हैं. हम देखेंगे लेक्चर हॉल यहाँ का. जब आप एनाटॉमी की क्लासेस लेने आएंगे तो वहाँ का लेक्चर हॉल कैसा है. सो
So this is a auditorium for the lecture hall, जहाँ पर बच्चे बैठ कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। ये जो क्लास है वो रशियंस के लिए लगाई जा रही है और जो लाइक फॉरेनर्स के लिए होती है वो अलग से क्लासेस होगी, बिकॉज ये पढ़ते हैं रशियन मीडियम में और अब पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में। सो दिस इज एनाटॉमी म्यूजियम। हर बच्चों की शिकायत होती है कि यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कैसे होगा यहाँ पर सारी चीज़ें। सो दिस इज Здесь готовятся сами, и, собственно, здесь тоже иногда проходят занятия. Mm-hmm. Вот видите, студент готовится по нервам, тоже здесь будут финаты большие, группа рады, So, आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ये हॉल है। ये यहाँ पर आप आएंगे, आपको चेयर्स मिल जाते हैं, आप बॉडी ले सकते हो फॉर्मलिन में जो प्लेस्ड होती है, आप उस जगह से जो वाइट वाली जो प्लेस है वहाँ से आप फॉर्मलिन वाले बॉडी आप ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स लोगे और अपनी पढ़ाई करोगे। जैसे वो एक स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है उसके एग्ज़ाम्स के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन कि उनके लिए ऐसे भी प्लेसेस बनाई गई कि आप बॉडी लो और ख़ुद से पढ़ाई करो। जो क्लासेस में आपको अप्लाई करा जा रहा है लाइक प्लास्टिक्स में और नॉर्मल लाइक जो डुप्लीकेट्स उसमें होते हैं लाइक बॉडी पार्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके अप्लाई कर रहे हो मेन ओरिजिनल बॉडी में। सो दिस इज़ द होल लेक्चर लाइक द क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें भी लाइक डायरेक्ट बॉडी लेकर यहाँ पर पढ़ाई करनी है। सो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ का म्यूज़ियम, और ये 1902 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये एक रीडिंग हॉल यहाँ पर और बने हुए बहुत सारे ऐसे रीडिंग हॉल है, टीचर वहाँ पर पढ़ा रही है। सो वी विल नॉट डिस्टर्ब। और ये यहाँ का म्यूज़ियम है, гастротопографическая анатомия, где представлена, во-первых, весь хирургический инструмент, здесь же проходит экзамен, и уникальные препараты, они уникальны тем, что представлены в виде срезов, соответственно, здесь топография органов, взаимоотношения систем достаточно. Судя по топографической анатомии, к лие класс лене ате, so इस जगह पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल है। क्लासेस आपकी इसी जगह पे होगी, डिपार्टमेंट्स जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसके सेकंड फ्लोर पे ये बनाया गया है, और मैं आपको कुछ इक्विपमेंट्स भी दिखाता हूँ जब आप टोपोग्राफिकल एनाटॉमी के लिए आते हैं, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करने दिए जाएंगे। और ये यहाँ का म्यूज़ियम है, और ये बच्चों के लिए सीट्स बनाई गई है ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। Возможность понимания. Тут один асет есть, да? Да. Си. Да. So. So, अभी मैं एनाटॉमी म्यूज़ियम आया हुआ था, और एनाटॉमी म्यूज़ियम में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो इस्टेब्लिश हुई थी 1888 को, तो ये एनाटॉमी म्यूज़ियम जो आप मुझे मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है कि यूनिवर्सिटी पुरानी होने की वजह से आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल पा रही है। सो ये जो यूनिवर्सिटी है लाइक 1888 में इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके अलावा यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन्स बनाए गए हैं फॉर्मलिन में, जो यहाँ पर जितने प्रिपरेशन्स रखे गए हैं, तो वो उसी टाइम पे लाइक उसी टाइम से लाए गए हैं 1888 से, और उस टाइम पे ये म्यूज़ियम का डेवलपमेंट हुआ था। सो जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है उतना पुराना ये एनाटॉमी का म्यूज़ियम है, उतना ही पुराना यहाँ पर सारे प्रिपरात हैं। यहाँ पर जितने प्रिपरेशन आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें, किसी को रोमेटिक डिसीज़ थी, किसी को सिफिलिस था, किसी का ट्रॉमा आया हुआ है, तो वो सारे यहाँ पर स्पेसिमेन पड़े हुए हैं हमारे। जितने यहाँ पर प्रिपरेशन हैं सारे यूनिक हैं, और यहाँ पर जितने प्रिपरेशन रखे गए हैं वो सारे स्टूडेंट ने और टीचर्स ने मिल के ये सारी चीज़ों को रखे हैं, और उन्होंने ही ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया है।
तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो के हैं। उसके अलावा और जब भी बच्चे बोलते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो हम इस बच्चे के सैंपल दिखाते हैं कि इसका ब्रेन कैसे काम करता है, वैसे ही आपका ब्रेन काम करना चाहिए। हमारे पास ऐसे ऐसे स्पेसिमेन इस म्यूज़ियम में अवेलेबल हैं जो बाकी दूसरी जगहों पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने मेहनत किया हुआ है फ्रॉम वेरी पास्ट 135 ईयर्स, तो जितने भी यहाँ पर लाइक म्यूज़ियम में आपके प्रिपरेशन मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी महंगे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारे, बिकॉज ये हमने खुद अपने डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिपेयर किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन का लाइक प्रिपरेशन है, तो इसमें किस किस तरीके से जब प्रेगनेंसी के टाइम पे लाइक चीज़ें होते रहती है वो सारी चीज़ें इसमें हमने वन बाय वन यहाँ पर स्पेसिमेन बनाया हुआ है उसके लिए, ताकि बच्चों को वो समझने में ईजी हो कि एक जब कोई भी ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है तो वो किस तरीके से स्टार्ट होता है और कैसे बड़ा होते जाता है। और उसका स्पेसिमेन हमारे पास पूरे डिपार्टमेंट में लाइक म्यूज़ियम में इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन वो अवेलेबल हैं। इसलिए हम आपको सारे अपने कैफेद्रा के बारे में, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने और काफ़ी महंगे प्रिपरेशंस हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के लाइक प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, और अभी हमें माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से एक डिपार्टमेंट से भी बात चल रही है दैट वी कैन वर्क टूगेदर सो दैट वी कैन मेक गुड स्पेसिमेन, और वो बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आप चाहो कि ये कौन से डेट में बना हुआ था, तो ये कुछ हमारे पास स्पेसिमेन है जहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, एंड इट इज़ ऑल 1800 ईयर्स वाले ही डेट्स हैं, लाइक 1890, 1895, 1899 इस तरीके से डेट हैं, और लाइक 1909, 1902 इस तरीके से डेट हैं, तो काफ़ी पुराने प्रिपरेशन हैं। तो इससे हमारे डिपार्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और हम पूरे रशियन फेडरेशन में इसीलिए टॉप थर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में गिने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने प्रिपरेशंस हैं, वो किसी के पास और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिमेन हैं जहाँ पर आप लाइक देख सकते हैं कि किस तरीके से लिम्फेटिक ऑर्गन्स, उनके आर्टरी, वेन, लिम्फ नोड, सारी चीज़ें। अभी हम एनाटमी वाले कैफे में, और ये कभी बच्चे अगर यहाँ पर आते हैं तो आप कैफ़े, अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पर कैफ़े है, यहाँ पर मैं कॉफ़ी की लाइक कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है।